आज हम देखेंगे कि वैट में डीलर कैसे क्रिएट करना है। ये आपके सामने वैट एक्सप्रेस का होम विंडो है, वहाँ पे न्यू बटन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप नाम, एड्रेस, उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल एड्रेस, सिग्नेटरी पर्सन की डिटेल्स और EMI TIN नंबर यहाँ पे आप डाल सकते हो। मैं अभी यहाँ पे EMI TIN नंबर डाल रहा हूँ। यहाँ पे आगे एक टिन वेरिफिकेशन का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करने के बाद वो एक मैसेज देगा आपको, टिन वैलिडेट सक्सेसफुली, डू यू वॉन्ट टू अपडेट डीलर नेम एज पर महावैट। यस पे क्लिक करने के बाद जो डीलर का नाम है वहाँ पे आपको आ जाएगा। मैं अभी एड्रेस डाल रहा हूँ। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल रहा हूँ, ईमेल एड्रेस, उसके बाद सिग्नेटरी पर्सन का नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। यहाँ पे CST नंबर जो है वो भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। उसके बाद बिजनेस ऑप्शन है, यहाँ पे आप प्रॉपर कैटेगरी, नेचर ऑफ बिजनेस या प्रिंसिपल नेचर ऑफ बिजनेस यहाँ पे आप सिलेक्ट करके प्रॉपर फॉर्म यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद बैंक डिटेल्स में आप बैंक डिटेल जो आप डीलर्स के बैंक डिटेल्स रहेंगे तो यहाँ पे आप डाल सकते हो। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आप डाल सकते हो। अदर में, अदर देन बिजनेस अगर आपका कोई है तो यहाँ पे आप वो डिटेल्स डाल सकते हो। उसके बाद सेव पे क्लिक करना है, वो कंटिन्यू करने के लिए पूछेगा, यस पे क्लिक करो। उसके बाद जो मैंने बिजनेस सिलेक्ट किया है उस बेसिस पे उसने यहाँ पे फॉर्म सिलेक्ट हुआ है तो ओके पे क्लिक करना है, क्लोज कर दीजिए। उसके बाद जो वैट एक्सप्रेस का होम विंडो है उस पर अपडेट ग्रिड पे क्लिक कीजिए तो डीलर का नाम, उसका डीलर टाइप, रिटर्न टाइप और उसका जो EMI TIN नंबर है, टिन नंबर, तो आपको यहाँ पे शो कर देगा। थैंक यू।